भारतीय जनता पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के मिशन पर जुट गई है। इसी कड़ी में बुधवार को पार्टी की ओर से यूपी में 3 चुनाव से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है कि इसके मुताबिक यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र, हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को असम, ओपी धनखड़ को दिल्ली और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा यूपी के लिए 3 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें दक्षिणी दिल्ली के निवर्तमान सांसद रमेश विधूड़ी, बिहार की देखा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया और हरियाणा करनाल सीट से सांसद संजय भाटिया को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में ओडिशा के बैजयंत जय पांडा को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। यूपी की एक बड़ा राज्य है, ऐसे में उनका हाथ बटाने के लिए 3 नए सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है। बीजेपी ने यहां की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है और रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी ने हर एक सीट पर गहन मंथन, 7 जिताऊ प्रत्याशी पर दाव चला है। पार्टी की कोशिश है कि हर सीट पर जीत का सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके बाद 6 और चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगा।